आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, और ये है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का प्रमाण 45% से भी ज़्यादा ओवर द वर्ल्ड आज बढ़ा है पिछले 20 सालों में। जब भी हम दर्द ये वर्ड सुनते हैं, पहला हमें जो क्लिक होता है वो है आर्थराइटिस। आज बच्चों में कॉमन है, आज यूँ बुजुर्ग में तो हम देखते हैं इसका प्रमाण कितना बड़ा है। नेग्लिजेंस टूवर्ड्स द हेल्थ, नेग्लिजेंस टूवर्ड्स द ओल्ड सीक्रेट्स एक्सप्लेन इन आयुर्वेद, रिजल्ट देखते हैं हम आर्थराइटिस जैसे कंडीशंस में। आर्थराइटिस 100 से भी ज़्यादा प्रकार के होते हैं, हमें पता भी नहीं है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टेरॉयड लेने के बावजूद होने वाला दर्द, या जहाँ पर बैक बेंड हो चुकी है, फिंगर्स ट्विस्ट हो चुके हैं, ऐसे कंडीशन जहाँ पर कंप्लीट मसल वेस्टिंग, बोन डीजेनरेशन, जॉइंट डीजेनरेशन, इन्फ्लेमेशन जैसे कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस में केवल आयुर्वेद और आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स पूरे पूर ठीक कैसे होते हैं, किस तरह आप हो सकते हो, किन चीज़ों का आपको फॉलो करना चाहिए, इसी वीडियो में कुछ टिप्स के बारे में जानेंगे। आपको फॉलो करना है, रिजल्ट्स हम देखते हैं किस तरीके से आयुर्वेद द्वारे पेशेंट्स आर्थराइटिस जैसे कंडीशन से पूरी तरह से ठीक होते हैं, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोबीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। वी टॉकिंग अबाउट आर्थराइटिस। दिस वर्ड आर्थ्रो means joint, and itis, itis का meaning है inflammation। हम जो भी inflammatory disorders देखते, sinusitis, bronchitis, rhinitis, all the itis, different itis condition, inflammatory conditions, ये सभी conditions कहीं ना कहीं western दवाइयों से सिर्फ control होते हैं। Patients ने दवा ली है और कंट्रोल हो रहे हैं। पहले उन्होंने सिनारेस्ट मुंबई के लिए, फिर सिनारेस्ट वो बांद्रा के लेते, तो ड्रग कंटेंट जो है सिनारेस्ट में या ड्रग कंटेंट जो है उस दवाई में, तो कंटेंट सेम रहता है, बस पेशेंट अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग ब्रांड्स के लेते रहते हैं। उन्हें आराम मिलता है केवल कुछ हद तक। आर्थराइटिस पेशेंट्स के कारण आप सभी को पता है एज रिलेटेड डीजेनरेशन। दूसरा रीजन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रॉमा है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। तीसरा हम देखते हैं कहीं ना कहीं बलक्षकजन्य संधि रोग, यानी बलक्षकजन्य ऑटो इम्यून कंडीशन, लो इम्यून सिस्टम, यानी कहीं ना कहीं सीवियर इमोशनल फेस, इमोशनल स्ट्रेस, 6 months, 8 months, 1 year आर्थराइटिस की शुरुआत या अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस। हम देखते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस, यानी खुद ही को कोसना बार बार, बिग रीजन ऑफ स्ट्रेस। इम्यून सिस्टम जिसका काम है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इम्यून सिस्टम गोज अगेंस्ट आर ओन सेल्फ और खुद ही के जॉइंट को डैमेज करना शुरू करते हैं आर्थराइटिस जैसे कंडीशन। आज हम टीन एज के लड़के और लड़कियों में देखते हैं इतना सीवियर है आर्थराइटिस। सो आर्थराइटिस के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, टू द पॉइंट ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट जहां पर दवाई के बगैर भी पेशेंट्स ठीक होते हैं, ये ट्रीटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि वंस अ वीक दवा, ट्वाइस अ वीक दवा, ऐसी दवा जिसके बारे में हमें पता नहीं, वो तरह के दवा लेके आपकी कंडीशन कहीं ना कहीं मैनेज हो रही है और आप खुश हो, shouldn't be the right aspect or the point of view। The important part about arthritis जानते हैं कि कहीं ना कहीं शुरुआत के पेन को कंट्रोल करने के लिए पेन किलर से बात हो जाती है, फिर वंस अ वीक स्टेरॉइड्स, फिर ट्वाइस अ वीक स्टेरॉइड्स, कहीं ना कहीं मीथोट्रेक्सेट, जहाँ पर फॉलीट्रेक्स नाम की सबसे कॉमन दवा, यानी कई बार पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, कहते हैं कि मैंने 10 डॉक्टर को कंसल्ट किया और 10 ही डॉक्टर ने मुझे एक ही तरह की दवा दी है, मीथोट्रेक्सेट। पहले मैं लेती थी प्रेडनिसोलोन, उससे थोड़ा बहुत आराम होता था, अभी है मीथोट्रेक्सेट। सो मीथोट्रेक्सेट, फॉलीट्रेक्स या दूसरा प्रेडनिसोलोन, ऐसे कहीं 3-4 प्रकार के पेन किलर्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, कहीं ना कहीं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऐसे तरह के इंजेक्टेबल। इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया में कहीं आईएम इंजेक्शंस, कहीं इंजेक्शन है वंस इन अ ईयर लेना है और कंडीशन बहुत मैनेज हो रही है। पर कहीं ना कहीं ये सभी करने के बाद जिन पेशेंट्स को फ़ायदा नहीं हुआ है, वही पेशेंट जाते हैं आयुर्वेद के पास और आयुर्वेद द्वारे पेशेंट्स पूरे पूर ठीक होते हैं, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ दीज इंजेक्शंस एंड सीइंग नो क्योर। एन आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिशियन, प्रॉपर आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिशियन विल फर्स्ट डायग्नोज दिस कंडीशन कि ये आयुर्वेद अनुसार वात के कारण है, पित्त के कारण है, कफ के कारण है या रक्त के कारण है। कहीं ना कहीं वात, पित्त, कफ तीनों के अनुसार ट्रीटमेंट नहीं की तो कंडीशन का रीजन होता है रक्त, और रक्त की ट्रीटमेंट करके हम देखते हैं कि पेशेंट पूरे पूर किस तरीके से ठीक होते हैं। सो इट इज़ अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ दोषाज एलिमेंट्स दैट एन आयुर्वेदा डॉक्टर, डेफिनेटली दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ एन आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिशियन। सो द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर विल सी थ्रू आयुर्वेद व्हाट आर द फैक्टर्स एंड अकॉर्डिंगली विल ट्रीट द कंडीशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट अ लिस्ट ऑफ ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल इन आयुर्वेद,
you can say more than 10, 15, 20 plus therapies and treatments and procedures are Ayurveda mein, you know, ye available hote hain jisse patients puri tarah se theek hote hain. Yani vidkarma, agnikarma, sarvang dhara, हम देखते हैं शिरोधारा, हम देखते हैं पत्र पोटली पिंड स्वेत, हम देखते हैं वमन विरेचन बस्ती, अन्य अलग अलग प्रकार के उपचार से पेशेंट किस तरीके से ठीक होते हैं. हम कहीं यू नो उपकर्म जो छोटे ट्रीटमेंट्स है जैसे कि यू नो रक्तमोक्षण सिरावेद हो गया, जलों का उच्चारण हो गया, अलाबु चिकित्सा जहाँ पर अलाबु यू नो अलाबु लगा है जाते हैं और वैक्यूम सक्शन से पेशेंट्स का पेन रिलीफ हो रहा है, छोटे उपकर्म होते हैं. तो ए टू जेड माइनर टू मेजर अन्य अलग अलग प्रकार के उपचार होते हैं आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए. और आज इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करने वाले. सबसे पहला ट्रीटमेंट जो जड़ से इंटरनली रूट कॉज को निकाल रहा है, विच इज समथिंग हम वीडियो के एंड में बात करेंगे. और नंबर टू है इस वीडियो में आप घर पे कौन से उपचार को फॉलो कर सकते हो और आज ही से आपको उसका आराम मिलना शुरू होगा. डेफिनेटली इसे नोट कीजिए और ट्रीटमेंट करना शुरू करिएगा. नंबर वन प्रोसेस इसे कहते हैं पत्र पोटली पिंड स्वेत. क्या करना है? वेरी इजी. नेचर में आज इरंड के पत्ते हैं, नेचर में आज निर्गुंडे के पत्ते हैं, नेचर में आज अर्क पत्र है. तीनों में से कोई भी एक या तीनों पत्तों को लेना है, ग्राइंडर में मिक्स करना है, इसे गैस में फ्राई करना है जब तक थोड़ा सा फ्यूम्स ना आ जाए. फ्राई किया है इसे लेना है और एक गॉस पीस पे इसे ऐड करना है. पोटली कैसी बनानी है इसका एक यूट्यूब वीडियो है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. यहाँ पर एक वीडियो प्ले होते हुए दिखेगा कि स्किन के लिए पोटली कैसे बनानी है, पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दर्द के लिए आर्थराइटिस के लिए पोटली कैसे बनानी है. तो वीडियो रेफरेंस के लिए ले सकते हो, पोटली कैसे तैयार करनी है उसकी जानकारी के लिए. गॉस पीस रखा, मटेरियल हमने रखे, बांधना है और या तो यू नो गैस पे थोड़ा सा गर्म करना है और उसका सेक देना है. आर्थराइटिस के कंडीशन में बात याद रखनी है कि जितना तेल फायदे का नहीं है उतना हॉट फॉर्मेंटेशन स्वेदन कर्म का बहुत ज़्यादा महत्व है. आयुर्वेदा थेरेपी यू नो एक पंचकर्मा में नाड़ी स्वेदन जैसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं या अलग अलग प्रकार के स्वेदन कर्म किए जाते हैं, पर यहाँ पर हमने घर पे ही पोटली को बनानी है और घर पे उसका सेक देना है. यानी 1 2 3 1 2 3. आई लाइट द वीडियो ओवर हियर सो यू गेट ए रेफरेंस टू हाउ डू यू डू द पत्र पोटली पिंड स्वेद. आज यू नो हर जगह पेशेंट्स दुनिया भर में वीडियोस द्वारे घर पे पोटली बनाते हैं और घर पे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. पोटली तैयार होने के बाद एक यू नो कंटेनर में उसे रखना है, थोड़ा तिल का तेल ऐड करना है ताकि कल वो सेम पोटली इस्तेमाल कर सकते हैं. पोटली को बास आने तक यानी 5 से 10 दिन तक वो सेम पोटली हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा समय बच सके. ये तीनों भी पत्ते अगर आपको नहीं मिले तो मार्केट में रेडीमेड कोटम चुकादी चूर्ण, ये चूर्ण आपको मिल जाएगा, तो इसी चूर्ण का सेक भी हम दे सकते हैं. इक्वली यू नो इसके बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर ये भी चूर्ण न मिले, कुछ फ्री का ट्रीटमेंट अगर हम चाहिए तो हमें सीधा लेना है वालुका. वालुका यानी सैंड, सैंड को लेना है, सेम यू नो इसका पोटली तैयार करना है, अच्छे से गैस पे रखना है, इसका सेक देखना है. वालुका पोटली स्वेद इज ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद, बेहतरीन है इसके फायदे. सो ये ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए और आप देखोगे कुछ ही समय में आपका दर्द किस तरीके से कम आ रहा है. फॉर्मेंटेशन स्वेदन कर्म के बेहतरीन फायदे हैं. सो पोटली को लेना है और 30 टू 60 मिनट्स तक इसका एक सेक देना है अफेक्टेड एरियाज पर, पूरे बॉडी पर दे सकते हैं, किसी को कह सकते हैं पूरे बॉडी पर देने के लिए. हम देखते हैं ऑल टुगेदर अ न्यू वर्जन ऑफ यू स्टार्ट्स विथ द सिंपल एडवाइजेस एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदा. Moving to the second, which is the master treatment in Ayurveda, which is one of the panchakarma, और इसे कहते हैं बस्ती. बस्ती इस अद्भुत ट्रीटमेंट के बारे में शास्त्र में कुछ ऐसे बताया है, बस्तिर वाते च पित्त च कफ रक्त च शस्यते सन्निपात संसर्ग च, यू नो च सन्निपात संसर्ग च बस्ती रेव हितम सदा. इसका मीनिंग है कि बस्तिर वाते च पित्त च कफ रक्त च शस्यते, यानी वो रोग जो है वो वात के कारण हो, पित्त के कारण हो, कफ के कारण हो या रक्त के कारण हो, बस्ती के अद्भुत फायदे हैं. ऐसे बताएं संसर्ग हो वो इन्फेक्शियस हो, सन्निपात हो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दोषज हो, हम देखते हैं बस्तिर रिव हितम सदा, उसका हित होता है, उसका फायदा होता ही है. और हर कंडीशन, यू नेम द कंडीशन, चाहे वो IBS हो, आर्थराइटिस हो, त्वचा विकार हो, माइग्रेन हो, हर केस में आज हम देखते हैं बस्ती के बेहतरीन फायदे. ये बस्ती जो ट्रीटमेंट है ये पेशेंट आयुर्वेदिक सेंटर पे जाके कर सकते हैं. वी एट जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद हम ये इनिशिएटिव लेते हैं कि बस्ती पेशेंट टू पेशेंट उनके कंसर्न के हिसाब से उनको घर पे सिखाते हैं और
इस ट्रीटमेंट को घर पे सिखाने से उनके पैसे, उनका एफर्ट्स, उनका टाइम बचता है और पेशेंट हर रोज बस्ती कर सकते हैं। उन्हें 8 दिन के लिए पंचकर्मा सेंटर, 16 दिन के लिए पंचकर्मा सेंटर में नहीं आके पेशेंट कैन लर्न द ब्यूटी ऑफ बस्ती और केवल 1-2-3 मिनट के अंतर्गत बस्ती विदाउट एनीवनस हेल्प, विदाउट एनीवनस डिस्कम्फर्ट। पेशेंट्स को आज हम दुनिया भर में घर पे बस्ती सिखाते हैं और अद्भुत उसके फायदा देखते हैं, बिकॉज बस्ती का होल गोल है वात को कंट्रोल में लाना प्राइमरीली, एंड वात इज द एनर्जी कंट्रोलर। वात के कारण ही पित्त कफ रक्त बिगड़ रहा है। वात यह हवा है, ब्रह्मांड पीड़ित है, जो जो बाहर है वो हमारे शरीर में। तो वायु जैसे हर जगह है, शरीर में भी वायु हर जगह है, और इस वायु के बिगड़ने के वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और वायु का स्थान बताया पक्वाशय में। दवाई जैसे पक्वाशय में जाते हैं हम देखते हैं बेहतरीन फायदे। बस्ती यानी पानी वाला बस्ती नहीं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट किया है आमवाद जैसे कंडीशन में। बस्ती यानी आयुर्वेदिक दवाओं का एनेमा देना इन ऑर्डर टू सप्रेस और इन ऑर्डर टू क्योर दिस इंक्रीज्ड वात और दिस विशिएटेड वात। तो अग्निकर्म, विद्य कर्म बेहतरीन है फायदे, शिरोधारा है, सर्वांग धारा है। हम देखते हैं पत्र, पोटली, पिंड, स्वेद, बस्ती, वमन, विरेचन, अन्य अलग अलग प्रकार के उपचार आयुर्वेद में बताए। कंसल्ट अ नियरेस्ट आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। इस वीडियो में बताए हुए स्वेदन कर्म यानी सेक को आप जरूर फॉलो करिए। सी द रिजल्ट, शेयर इट विद अदर्स, एंड दिस इज ऑल फॉर नाउ। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोबीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।